हेलो हेलो हेलो, इशारा आ गया है अंपायर का। 8 ओवर का मैच होगा, ग्रैंड फिनाले मुकाबला शुरू होने की कगार पर। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। ग्रैंड फिनाले मुकाबला शुरू करते हैं। पहली गेंद, सामना करेंगे यश। पहली गेंद पर पहला रन ग्रैंड फिनाले का, 1 रन स्कोरबोर्ड पर जुटते हुए और स्कोरबोर्ड पर रनों की संख्या का श्री गणेश होता हुआ। स्ट्राइक पर अब मौलिक हैं, मौलिक और यश की ये सलामी जोड़ी जिन्होंने हर मैच में अपना परफॉर्मेंस दिखाया है और इस मैच में ज्यादा जरूरत है उनकी। जीतने वाली टीम को ये ट्रॉफी तो मिलेगी ही, ये खिताब तो मिलेगा ही, ये ताज सर पे सजेगा ही, लेकिन उसके अलावा 11,000 रुपए, 5100, 2100, 11,000 विनर को, 5100 रनर अप को, 2100, 2100 बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट कैच के लिए ये इंडिविजुअल अवार्ड है। और उनको ग्रैंड विल वाउचर भी दिया जाएगा और ये सारे पुरस्कार दिए जाएंगे शारदाबेन, प्रवीण चंद्र, मणियार जी की तरफ से सभी खिलाड़ियों को। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। ग्रैंड फिनाले मुकाबला एसपीएल 2012-2022। देखिए, मैं एक बात सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ पर मैदान में आए हैं तो आपका ध्यान मैच पर होना चाहिए और जमकर अपनी अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें, चीयर करें और खूब मजा लेकर खेलें। पहला चौका फील्डर की गलती से सीमा पर, रन मिलेंगे 4। राजवंश ज्वेलर्स चौका लगता हुआ। थैंक यू डीजे, क्या बात है, चौका मिल गया है, पहला चौका लग गया है, वो भी मौलिक के बल्ले से, हल्के हाथों से। मौलिक बहुत ही सूझबूझ वाले खिलाड़ी हैं, उनको पता है कि किस गेंद को किस तरह से खेलना है। यही कारण है कि वो ज्यादातर नॉट आउट रहकर वापस आते हैं। अगर डॉक्टर 11 को ये मैच सचमुच अपने कब्जे में करना है तो मौलिक का विकेट जल्दी से जल्दी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मौलिक ऐसा होने नहीं देंगे। वो जिस फॉर्म में है, बिल्कुल लाजवाब। लो फुल टॉस, धीमी गति से की गई गेंद, मिड विकेट की तरफ खेल दिया है फील्डर ने, गेंद को फील्ड किया है और थ्रो भी बिल्कुल बढ़िया, स्ट्राइकर एंड पर आया। जबरदस्त वातावरण, शाम का सत्र, हल्की हल्की ठंड, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मैदान पर जो गर्मी है एसपीएल की वो बरकरार है पिछले 3 दिनों से। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, एक्स्ट्रा रन के साथ अकाउंट में और रन जुड़ते हुए स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है, 8 ओवर का मैच। फुल टॉस गेंद, मौलिक ने इस बार भी ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की। मौलिक ऐसी गेंद को ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, वो खुद जानते हैं कि फर वाली गेंद है, नई गेंद है, इसे अगर जोर से मारने जाऊंगा तो अगर एज लग के ऊपर उठ गई तो फिर काम तमाम हो सकता है, इसलिए बचकर बड़े आराम से। 8 ओवर का मैच है, पूरा समय लेकर खेलेंगे, सेट होकर फिर उसके बाद बड़े हिट के लिए जाएंगे। बहुत ज्यादा धीमी गति की गेंद थी, ये ललचाना चाह रहे हैं बल्लेबाज को कि आगे आकर शॉट खेलिए आप, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छा एक्सपीरियंस इस मैदान पर, पिछले 3 दिन से वो खेल रहे हैं, उनको पता है कि विकेट क्या रंग लाएगी, विकेट किस तरफ घूमेगी और कब क्या करवट लेगी। बड़े आराम से खेल रहे हैं, पहले ओवर के बाद स्कोर है 11 रन, एक अच्छा स्कोर, अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत। वहां पर थोड़ी सी गलती भी देखी गई डॉक्टर 11 के फील्डर के द्वारा। नए गेंदबाज मोक्ष, ये सबसे ज्यादा चहेते प्लेयर्स में से एक है मोक्ष, और सबसे ज्यादा फेवरेट खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में सभी टीम के, क्योंकि ये भी बिल्कुल मौलिक के आसपास ही नजर आते हैं जब
ऑलराउंड प्रदर्शन की बात आए तो। और उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज यश। ओवर की पहली गेंद फील्ड पोजीशन चेक करते हुए पावर प्ले का कंपल्सरी ओवर समाप्त हो चुका है। दूसरा ओवर फील्डर थोड़े से डीप में नजर आएंगे, अंदरूनी किनारा लगा है, बस पुश करके खुश करने की कोशिश हो रही थी और उसी में संतुष्ट हुए। एक रन लेकर स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है सिंगल के साथ 12। दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है, दूसरी गेंद आना बाकी है। राजवंश ज्वेलर के जो बैनर्स लगे हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, उस पर भी पुरस्कार है। हल्के हाथों से गेंद को कवर ड्राइव कर दिया है, एक रन मिलेगा मात्र, मौलिक संतुष्ट है, चलेगा एक रन। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 13। अगली गेंद मोक्ष लेकर तैयार एक बार फिर से यश के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, लेकिन इस बार अपील हुई थी लेकिन अंपायर सहमत नहीं थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ है, विकेट कीपर के हाथों में गई है गेंद। मोक्ष वापसी करते हुए पिछले ओवर में जो थोड़ा बहुत महंगा साबित हुआ था उसे और थोड़ा सा किफायती करते हुए दूसरे ओवर में भरपाई कर रहे हैं। अब यश के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस ओवर को कैसे डोमिनेट करते हैं। बाकी की जो गेंदे बची है पंच कर दिया है इस बार ऑफ साइड में, कवर्स में फील्डर मौजूद, क्रॉस बैटर चौटा, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, खतरा हो सकता है अगर स्टंप पर आता तो, लेकिन बाल बाल बचे, सुरक्षित अपने क्रीज में मौलिक, रिस्क लिया था और उस रिस्क को पार करते हुए पहुंच गए दो रन के लिए सुरक्षित क्रीज में। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन थ्रो अगर सटीक स्टंप पर आता तो ये मौलिक के लिए अच्छी बात नहीं होती। मोक्ष की अगली गेंद सीधे बल्ले से इस बार खेलते हुए मिड ऑफ पर दौड़ कर आए सिद्धार्थ, गेंद को फील्ड किया, स्टंप पर डायरेक्ट हिट लगी है, उसका भी फायदा उठाएंगे, दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, जब जरूरत होती है तब गेंद डायरेक्ट हिट नहीं लगती है। और अब देखिए यहां पर एक रन और एक्स्ट्रा मिलता हुआ, धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हुए। अभी तक बड़े हिट के लिए दोनों ही बल्लेबाज नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि बहुत सारा समय, अभी दूसरा ही ओवर चल रहा है। हाँ अच्छी गेंद इस बार, गति गति से बीट कराया बल्लेबाज को, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। और दो ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर अब रनों की कुल संख्या है 17 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के 17 बना लिए गए हैं। 6 ओवर का खेल अभी और बाकी है। मौलिक ऐसा लग रहा है कि जिद पकड़ ली उन्होंने, कि जैसा कि इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है लेकिन बस एक कप की जरूरत है, कप आ जाए बस। और मानो वो ये कह रहे हो कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ये मौलिक अपने आप से कहते हैं लगातार, जब तक वो कप उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक ये कुंठा मन में बैठी रहेगी उनके। एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर तैयार, शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है, गेंद को टैप के सहारे फील्ड हुई है मिड विकेट पर गेंद, इस बीच एक रन पूरा किया मौलिक ने, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया सिंगल के साथ 18। तीसरे ओवर की शुरुआत, जिग्नेश गेंदबाजी कर रहे हैं अपना व्यक्तिगत दूसरा और टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। ओहो इस बार फाइन लीग की तरफ बिल्कुल फाइन खेल लिया है, फील्डर आए हैं गेंद को रोके हैं, बढ़िया फील्डिंग, स्लाइड करते हुए गेंद को रोका है। और ग्रैंड फिनाले में अगर ऐसी अचंभित करने वाली कुछ दृश्य आपको दिखे तो हैरान मत होइए, ये ग्रैंड फिनाले है और ये एसपीएल है। पप्पी वहां पर खड़े थे,
पप्पी ने कुछ कमेंट्री भी की है। यस, सीधे बल्ले से खेलते हुए इस बार वाइड स्पीड ऑफ की दिशा में सिद्धार्थ एक बार फिर से गेंद पर आए, दो रन का कॉल, सटीक थ्रो लेकिन थोड़ा सा लेट। एक बार फिर से दो रन लेने में सफल हुए दोनों बल्लेबाज और ये चतुराई ही यहां तक लेकर आई है फाइनल तक इनको। अगर चौके छक्के नहीं मिल रहे तो सिंगल डबल से भी मैच जीता जा सकता है और फाइनल तक पहुंचा जा सकता है। ये सीखना है तो आपको रिद्धियां चैलेंजर से सीखना पड़ेगा। इस बार वॉच, क्या बात है, जबरदस्त शॉट, पूरी तरह से 360 घूम गए थे। रन आउट का मौका है, क्या बनेगा पहला विकेट, नहीं इस बार भी पहुंच गए, इस बार भी सुरक्षित पहुंच गए। फिटनेस लेवल बहुत हाई है दोनों का, खास करके अगर बात करें तो मौलिक का लाजवाब, वो शुरू से लास्ट तक खेलते हैं, फिर गेंदबाजी में भी दो ओवर करते हैं, फील्डिंग में भी डाइव लगाकर गेंद को रोकते हैं, ऑलराउंड प्रदर्शन। और उनका साथ निभाने के लिए बाकी 11 तो तैयार खड़े ही हैं। थोड़ा सा बदलाव फील्डिंग में, यश जा रहे हैं बड़े शॉट के लिए, गियर बदलने की कोशिश हो रही है। फुल टॉस गेंद थी, शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर तैनात थे, सिर्फ एक रन ही मिलेगा इस बार भी। ज़्यादा जोर से गेंद नहीं कर रहे हैं जिग्नेश, सिर्फ धीमी गति पर कॉन्सेंट्रेट है उनका, उनको पता है कि गेंद धीमी है, ये फर वाली गेंद अभी नई है, पुरानी हुई नहीं है ज़्यादा, तो इस पर शॉट अगर ज़्यादा धीमे करूँगा तो बल्लेबाज निश्चित रूप से आगे आकर खेलेगा। वही चाह रहे हैं कि एकाध एज लगे और कैच आउट होकर बल्लेबाज का विकेट मिले। मौलिक, मौलिक ने छोड़ दिया इस गेंद को, ये गेंद सीधी थी, ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिली, बस एक मौलिक ने कैलकुलेटर रिस्क लिया कि अगर छोड़ दूंगा हो सके ये वाइड मिल जाएगी, और अगर छूट गई तो कोई बात नहीं, हम मैच में तो अभी तक आगे निकले हैं डॉक्टर 11 से। टोटल स्कोर 25, 25 रन, तीन ओवर के बाद 25 रन बने स्कोर बोर्ड पे। दो ओवर जिग्नेश को हो चुके हैं, एक ओवर फेंका है मोक्ष ने। यस, ग्रैंड फिनाले मुकाबला चल रहा है, दर्शकों की संख्या मैदान में खचाखच भरा हुआ है यह स्टेडियम, ठाकुर श्याम नारायण स्टैंड, और ठाकुर श्याम नारायण स्टैंड से एक और नए गेंदबाज अब गेंदबाजी अटैक पर लाए गए हैं। छोटा सा ड्रिंक ब्रेक हुआ था और हमारे ड्रिंक मैन देखिए ध्यान सबसे पहले दौड़कर पहुंचे थे मैदान के अंदर। नए ओवर की शुरुआत निकेश, चौथे ओवर की पहली गेंद, ऊंचा और लंबा स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, मोक्ष से गलती की गुंजाइश नहीं है, पहला विकेट गिरा है, ब्रेक थ्रू, सफलता मिली है, क्या बात है, जबरदस्त क्रिकेट प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा। ये है ग्रैंड फिनाले। थैंक यू। जी हाँ, कौन किसकी वाट लगाएगा ये तो अभी नेक्स्ट इनिंग के अंत में पता चलेगा। कुछ अलग करने की अगर ख्वाहिश है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत जरूरी है। स्कोर इस समय रुका हुआ है 25, पहली ही गेंद पर विकेट आया है, चौथी बॉल, चौथे ओवर की पहली गेंद। इस बार फिर से टॉस किया था लेकिन टॉस करने के साथ साथ ये हाफ पिच पर गेंद पटकी थी और टप्पा गिरने के बाद गेंद नीचे की तरफ आई, डॉट बॉल, रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, लेकिन गनीमत यह है कि मौलिक क्रीज पर है और आउट होने वाले बल्लेबाज थे यश।
इस बीच एक रन के लिए खेला गया शॉट, दीक्षित ने सिंगल लिया और स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच गया है सिंगल के साथ। हाँ, स्कोर इस सिंगल के साथ टोटल है 27, 27 रन। इस बार फ्लाइट करा था गेंद को, लो फुल टॉस अटेम्प्ट किया है, कैच के लिए गए थे सिद्धार्थ, जाना चाहिए, सही चॉइस सिद्धार्थ की वहां पर, और उन्होंने प्रयास किया, वो प्रयास बहुत जरूरी था, करना चाहिए था आपको, उन्होंने किया, गेंद को रोका और दो रन कम से कम अपने टीम के लिए बचाए उन्होंने। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 29। चौथे ओवर का खेल चल रहा है और आखिरी गेंद इस ओवर की, पहले आगे निकले फिर पीछे गए, अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं नहीं क्या करना है, विकेट नहीं डालना है, विकेट बचा कर रखना है, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। ओवर की समाप्ति हुई है, चार ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पे 29, एक विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करते हुए रिद्धियान चैलेंजर्स। आपको बता दें एक बार फिर से कि टॉस जीता है डॉक्टर 11 ने, ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है। हेलो 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 हेलो, देखिए हेलो, देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हर ओवर के बाद आप पानी मत लेकर जाइए, ठंड का मौसम है, आप हर ओवर में पानी लेकर जाएंगे तो मैच में देरी होगी, व्यवधान होगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो चार ओवर के बाद स्कोर बढ़ के पहुंचा है 29। नए गेंदबाज आए हैं भाविक, भाविक के सामने मौलिक, मौलिक देखिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते और मौका देते भी नहीं है, छोटी छोटी गलतियों से बचते हैं मौलिक। एक पूरा किया, देखिए कॉल देने हैं दूसरे के लिए, नॉन स्ट्राइकर एंड से कॉल आया, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो लेकिन थोड़ा सा वाइड, थ्रो बहुत अच्छा था नो डाउट, लेकिन ये थ्रो अगर सामने सीधे कीपर के हाथ में आता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। फिलहाल एक बार फिर से दो रन, और दो दो रन से देखिए बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, ईंट जोड़ते जोड़ते ये महल खड़ा करते हैं। अगली गेंद मौलिक के लिए, प्रयास बिल्कुल रहेगा, बड़े शॉट के लिए जाना चाहते लेकिन नहीं, हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लेकर छुराया है मौलिक, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है सिंगल के साथ 32, 32 रन। पांचवे ओवर का खेल जारी है, आठ ओवर का मैच, पहली पारी, डॉक्टर 11 ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। SPL परिवार, 70 प्रीमियर लीग समाज, 70 ग्राम समाज के सभी यहां पर जो परिवारगण उपस्थित है, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। बैकफुट पंच, इस बार सामने की तरफ, डीप में फील्डर है मोक्ष के, सर के ऊपर से गेंद फरार फेंस पर, चार रन के लिए राजवंश चौका। थैंक यू। वेल, मंजिल मुझे मिले या नहीं मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश भी नहीं करूं ये गलत बात है, और कोशिश करते हुए दीक्षित इस गेंद पर भी कोशिश की थी, इस गेंद पर भी क्रॉस बैट घुमाया था लेकिन संपर्क ठीक से नहीं हो पाया, डॉट बॉल के रूप में विकेट कीपर के हाथों में गेंद। टोटल स्कोर है 36 रन। पिछली गेंद पर एक चौका प्राप्त किया है दीक्षित ने, कॉन्फिडेंस दीक्षित का हाई है, और उस कॉन्फिडेंस की वजह जानते हैं क्या है, क्योंकि वो अपने सामने मौलिक को देख रहे हैं। बैकफुट पर पंच किया, दिया है गैप में जाती हुई गेंद, कवर्स के फील्डर दौड़ लगाते हुए, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, चौका लगाते हुए दीक्षित ऑन फायर।
थैंक यू। पूरा माहौल बदल दिया इस समय, दीक्षित ने दो चौके लगाकर सीधे बल्ले से एक बार फिर से उछाल दिया है, लेकिन नीचे मोक्ष हैं। मोक्ष जहां खड़े रहेंगे वहां पर कैच छूटना बहुत ही मुश्किल है। विकेट का पतन होता हुआ, दीक्षित बैक टू द पवेलियन। पांच ओवर 40। यस, थैंक यू डीजे। पांच ओवर के बाद 40 रन। हर हर महादेव की गूंज कान में सुनकर एक बार फिर से जोश जरूर मिला होगा बम भोले। हमारे डीजे अक्षय ये सॉन्ग बजाते हुए प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए सभी खिलाड़ियों को, उनका साथ हमें मिल रहा है पिछले तीन दिनों से। पहली पारी का खेल चलता हुआ पांच ओवर के बाद 40 रन। वेल, थैंक यू डीजे। एक बार फिर से बढ़ते आपको लेके चलते मैदान पर ग्रैंड फिनाले मुकाबले में। मौलिक अभी भी क्रीज पर हैं, राहत की सांस लेते रहिए। रिद्धियान चैलेंजर्स निकेश, टॉस की हुई गेंद आगे निकले, क्या ये विकेट मिलेगी? जाओ हो, ये ऐसा मौका गवाया है भाविक ने कि डॉक्टर इलेवन को सोचना पड़ेगा आगे। ये कैच छूटना कितना भारी पड़ सकता है। कैचेस विन द मैचेस, और वो कैच जब ऐसे बल्लेबाज के हो तो आप बिल्कुल सरदर्द बन जाएंगे अभी आपके लिए अगर ये खड़ा रह गया तो। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर खेला है ये। मैं सोच रहा था कि मोक्ष बहुत देर तक वहां पर खड़े थे और अचानक मोक्ष की फील्डिंग लेग साइड में लगा दी गई है। ये कैच भाविक को पकड़ना चाहिए था। मौलिक का विकेट, बहुमूल्य विकेट। इस बार शॉर्ट अम्प पुल कर दिया है, फील्डर डीप में है दूसरे रन के लिए। नहीं, खतरनाक कॉल, नुकसानदायक हो सकता था, सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ा। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 44 रन, और इस ओवर की तीन गेंदें आना बाकी है। कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर से बारी किनारा, इस बार नहीं बचेंगे। बल्ले का मोटा हिस्सा, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और मौलिक को लौटना होगा पवेलियन की तरफ। थैंक यू डीजे। और फिलहाल इस मैदान पर अगर सबसे सुखी और सबसे खुश इंसान कोई होगा तो वो हो गए भाविक। उन्होंने कैच छोड़ा, लेकिन नसीब ये रहा कि उसके बाद मौलिक ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली, उसके तुरंत बाद आउट हुए हैं। यस, खास दोस्त हैं, यहाँ सभी एक दूसरे के दोस्त हैं खास। स्कोर 44, ओवर की पांचवी गेंद, चार गेंदे हो चुकी हैं इस ओवर की। गेंदबाज निकेश को मिली है सफलता, वो भी बड़ा विकेट। अब मुश्किल में फंस सकते हैं, अब यहां से मुश्किल होगी रिद्धियान चैलेंजर्स के लिए। अब सच में इनके सामने चैलेंज है, क्योंकि कप्तान का विकेट खो दिया गया है, और अब यहां से डॉक्टर इलेवन जो है प्रेशर बनाने के लिए लगातार
दबाव बनाएंगी देखना आने वाले समय में। अब ये छठा ओवर प्रगति पर है और की आखिरी गेंद एक बार फिर से बाल बाल बचे, गेंद हवा में जरूर थी कुछ देर। नीरव ने सिंगल, तेजू। ओवर की समाप्ति हुई है, 6 ओवर के बाद टोटल है 45। थैंक यू डीजे, क्या बात है डीजे, अब पूरे अपने शबाब पर नजर आ रहे हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। अब अगर मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो मंजिल का सोचिए मत कितनी दूर है, बस चलते जाइए, एक एक कदम जुड़ेगा तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। यहां पर स्थिति इस समय रिदियान चैलेंजर्स की यही नजर आ रही है। पिछले ओवर में जो गेंदबाजी हुई निकेश की तरफ से, शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त किया बहुत बड़ा, और ऊपर से उस ओवर में बहुत ही कंजूस साबित हुए, सिर्फ 5 रन उस ओवर में खर्च किए। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 45। रिद्धियान चैलेंजर्स जो खुद अब तक इस टूर्नामेंट में सभी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है, उनका पाला एक ऐसी टीम के साथ पड़ा है जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया है, तो शेर पर सवा शेर तो मिलेगा ही। फिलहाल एक बार फिर से अब यहां से जो 2 ओवर का खेल बचा है, 12 गेंदों में कैलकुलेट करके दोनों खिलाड़ियों ने डिसाइड जरूर किया होगा हमें कितने रन मारने हैं। एक बार फिर से ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ सिंगल पर कॉन्सेंट्रेट किया। तेजू ने एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचाया है 46 पर। भाविक अपना व्यक्तिगत 2रा ओवर और अपने टीम के लिए 7वां ओवर करते हुए, पावर प्ले का ये ओवर है, अंपायर की तरफ से इशारा आ चुका है। इस बार जगह पर खड़े खड़े बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन अच्छा है, 1 बाउंस गेंद सीमा के बाहर, राजवंश चौका लगाते हुए। Well, thank you DJ. वो इस बेहतरीन चौके के साथ 50 रन भी पूरे हो गए हैं रिद्धियान चैलेंजर्स के, अर्धशतक की ओर बढ़ चुके हैं। एक और बल्ले के बीचों बीच लगी, एक बार फिर से गेंद गैप में है, नहीं सिद्धार्थ ने इस बार रोक लिया है गेंद को और थ्रो कर दिया है नॉन स्ट्राइकर एंड पर। नेक्स्ट बॉल अगली गेंद नीरव के लिए, और नीरव ने कुछ अलग ही यहां पर डिसाइड कर लिया है। अब कोशिश थी सिद्धार्थ की, लंबी दौड़ लगाई गेंद पर पहुंचने से पहले, वहां पर तीसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया तेजू को नीरव ने। नीरव अब ऐसा लग रहा है कि पूरे टारगेट सेट किया है उन्होंने कि बस कोई भी गेंद आए मुझे बस बाउंड्री लाइन के बाहर ही फेंकना है। और वो जरा राजवंश ज्वेलर का जो बैनर दिख रहा है उस पर भी पुरस्कार है जो हमने कल ऑर्गेनाइज किया था, उस पर अगर गेंद डायरेक्ट हिट लगती है तो। चाय का आनंद लेते हुए सभी, आगे निकले इस बार भी बल्ले से लगी है लेकिन मोक्ष नीचे खड़े हैं। मोक्ष खड़े हैं तो आप सोचना भी नहीं कि ये गेंद उनके छूट कर जाएगी।
विकेट मिली है। वाओ, लाजवाब माहौल, एटमॉस्फेयर देखिए। और मैं आरजे रजनीश जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उनके कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्टैंड्स में जो पब्लिक जो क्राउड है इस समय, प्लीज एक नजर क्राउड पर भी रखें। जबरदस्त, एक्सीलेंट क्राउड, खचाखच भरा हुआ ये मैदान, लुत्फ उठाते हुए एसपीएल 2022 के ग्रैंड फिनाले का। टोटल स्कोर है 54 रन, इस ओवर की आखिरी गेंद है, हित के लिए ये गेंद जड़ में डाली हुई थी। अच्छा स्वागत किया है यॉर्कर के साथ हित का। और आखिरी गेंद पर डॉट, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर के बाद कुल स्कोर है 54 रन। ये एक डिफेंडेबल टोटल बनने के पूरे आसार हैं इसमें। अब ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये स्कोर बहुत हाई चला जाएगा या फिर बहुत लो पे रुक जाएगा। ज्यादा लो यानी कि 50 के अंदर, फिलहाल 50 के ऊपर बन चुका है। 4 रन, 54 रन बन चुके हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। और मोक्ष को एक बार फिर से गेंदबाजी सौंपी गई है। एक ओवर अब तक मात्र मोक्ष ने किया है और उसमें 6 रन उन्होंने खर्च किए थे। आखिरी ओवर क्रुशियल ओवर की जिम्मेदारी है क्योंकि ये ओवर हार्ड हिटिंग का ओवर है। इस ओवर में बल्लेबाज आओ ताओ कुछ नहीं देखता, बस टूट पड़ता है गेंदबाज के ऊपर। क्या मोक्ष के ऊपर ऐसे ही टूट पड़ेंगे। इस बार शॉट काफी अजीबो गरीब था, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला है, फील्डर है वहां पर, एक पूरा किया है दूसरे के लिए। नौ स्ट्राइकर, एंड पर थ्रो जरूर आया लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। स्ट्राइक पर तेजू, स्ट्राइक पर 5 गेंदे शेष इस पारी की। स्लॉग ओवर है, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच गेंद फील्डर के हाथों में, जब तक फील्ड करते दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं तेजू। खतरा, और खतरे में फंसाया है एक बार फिर से। थैंक यू डीजे। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, जर्सी नंबर 7, टी शर्ट पर MS लिखा है इन्होंने लेकिन इनका नाम है मोहित, M पर मोहित, S पर। आखिरी 2 गेंदे बाकी हैं, 4 गेंदे बाकी हैं। इस बार क्रॉस बैट शॉट खेला है, डीप मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में गेंद, फिर भी दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं। यहां पर रिस्क लेना कितना जरूरी है ये देखना होगा, अंपायर से अपील हुई है लेकिन नहीं, सुरक्षित अपने क्रीज में। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंच गया है 59 रन। आखिरी ओवर का खेल जारी है, 3 गेंदों का सफर अभी और बाकी है। मोक्ष अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, शॉर्ट आर्म फुल, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, गेंदबाज कामयाब हुए डॉट कराने में, एक और रन आउट।
थैंक यू डीजे जी। हाँ, टकटकी लगाकर देखते रहिए इस मैच को, क्योंकि एक एक गेंद आप मिस कर देंगे तो समझ लीजिए एक हाई एक्शन भरा एक पूरा टूर्नामेंट आप मिस कर देंगे। एक एक गेंद पर नजर बनाए रखे, ग्रैंड फिनाले चल रहा है। मोक्ष लास्ट टू बॉल्स, इस ओवर की आखिरी दो गेंदे। हो गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, मोक्ष को पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सभी गेंदबाजों का, सभी मिस्ट्री बॉलर्स का हल यहां पर ढूंढ लिया गया है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब तक मोक्ष ऐसे गेंदबाज हैं जो कब कौन सी गेंद कर देंगे कोई भी समझ नहीं सकता। अगली गेंद इस बार हवा में है, आखिरी गेंद थी ये, क्या छूटा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में रन आउट होगा, पहुंच गए हैं या नहीं, नहीं पहुंच गए हैं, तीसरे के लिए दौड़ रहे, तीन रन पूरे होते हुए। डॉक्टर 11
देखिए ये गाना नहीं, ये गाना नहीं, ये भजन है, फूला झूमिए इस गाने पर, भारत का बच्चा। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, जय जय श्री राम बोलेगा। क्या बात है डीजे, यस राजवंश ज्वेलर्स प्रेजेंट्स एसपीएल 2020 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 12th सीजन ग्रैंड फिनाले मुकाबला रिद्धियान चैलेंजर्स बनाम डॉक्टर 11। अब रिद्धियान चैलेंजर्स को भी पता चल गया होगा कि उनका पंगा किससे बड़ा है इस बार। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। 63 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी की पहली गेंद, टॉस किया हुआ था इस गेंद को, टैप कर दिया था बैक टू द बॉलर, लेकिन गेंदबाज ने प्रयास नहीं किया गेंद को रोकने का। उठो जागो और दौड़ो, और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो। ये दोनों लक्ष्य लेकर चले हैं दोनों ही टीम। अब बाजी कौन मारेगा, किसका लक्ष्य और किसके हौसले ज्यादा बुलंद है, ये तो हमें मैच के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। धवल की अगली गेंद, फिर से एक बार ललचाया था, और धवल की एक खासियत है कि बल्लेबाज को मजबूर करते हैं कि आप बड़े शॉट खेलने के लिए आइए, आपका स्वागत है, लेकिन उस स्वागत में वो कब विकेट ले लेते हैं कुछ पता नहीं चलता है। धीमी गति की गेंद करते हैं, फर वाली गेंद उनको पहले अक्सर पहला ओवर करते हैं, तो जब गेंद में फर है उनको कॉन्फिडेंस है कि ये गेंद को कितना भी जोर से मारेंगे ये गेंद बाहर जाएगी नहीं। डीप में फील्डर खाली अपने मन मुताबिक सेट कर लिया गया है। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर तैयार धवल। हार्दिक के लिए गेंद बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से खेल दिया है, डीप में से मिड विकेट के फील्डर दौड़कर आते हुए, अच्छी फील्डिंग, और क्या बढ़िया फील्डिंग है, और सटीक थ्रो, क्या बात है नीरव, बहुत बढ़िया फील्डिंग। पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में गेंद को पिक करना, उसके बाद पिक करने के बाद जो थ्रो है बिल्कुल स्टंप के करीब करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि इस खिलाड़ी का लेवल क्या है। या पहले दिन से जो क्रिकेट चल रहा है सर, बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है एसपीएल का। बारी किनारा लगा है, काफी मोटा हिस्सा, विकेट का पतन, धवल ने ब्रेक थ्रू दिलाया है, सफलता मिली है। ऋत्विक बैक टू द पवेलियन। जब
जी हाँ, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। धवल अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर से नए बल्लेबाज रहेंगे स्ट्राइक पर। टॉस कराया था, मजबूर कर दिया था एक बार फिर से बल्लेबाज को आगे फ्रंट फुट पे खेलने के लिए, और यही खासियत, यही चालाकी है धवल की, ये ललचाते हैं बल्लेबाज को। धवल की अगली गेंद बहुत धीमी गति की गेंद थी, उठाकर खेल दिया है डीप में, फील्डर है, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं, यश ने लपका है कैच। सिद्धार्थ बैक टू द पवेलियन। यस, क्या बात है, जबरदस्त प्रदर्शन धवल के द्वारा। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए, बहुत ही कंजूसी गेंदबाजी, कम खर्चा और फुल चर्चा। यकीन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है, लेकिन अगर यकीन खुद पर हो तो वो ताकत बन जाती है। ये करके दिखाया धवल ने, पहले ओवर में ही अपने आप पर यकीन किया, एक छोटा लक्ष्य टारगेट सेट किया है, लेकिन उनको पता है कि एक एक गेंद, एक एक डॉट गेंद बहुत कीमती है। एक्स्ट्रा दिए बिना मात्र 2 रन उन्होंने खर्च किया और बड़ा विकेट अपने नाम किया है। 2 विकेट पिछले ओवर में आए, पहले ओवर में सिंगल प्राप्त हुआ है यहां पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। गेंदबाज यश, अच्छा शॉट इस बार, कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया है डीप में, एक और सबसे बेस्ट फील्डर में से एक। 1 रन प्राप्त होगा इस गेंद पर भी मात्र, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा अब जाकर 4 रन कुल स्कोर है इस समय स्कोर बोर्ड पर। इस बार छोटी गेंद थी, ऊपर रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, पूरे कॉन्फिडेंस में है, विश्वास के साथ अपील कर रहे हैं यार। विकेट कीपर दौड़ कर आया, ऐसा लगा कि अंपायर को बोल रहे हैं कि अरे यार आउट दे दो यार। स्ट्राइक पर हार्दिक, उनका साथ देने के लिए 9 स्ट्राइक पर अब नए बल्लेबाज हर्षिल के रूप में, टीम के कप्तान भी हैं, इनके ओनर हैं हर्षिल। फिर से एक बार छोटी गेंद, बैकफुट पर गए, बहुत ज्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ 1 रन लेना चाहते हैं। और नीरव देखिए इनका अंदाज, देखिए दौड़ कर आए इतनी तेज और आगे भी निकल पड़े। एक से बढ़कर एक दोनों टीमें हैं, एक टीम ऐसी है जिन्होंने एक भी मुकाबला अभी तक गवाया नहीं है, और एक चैलेंजर्स जो चैलेंज करते करते, चैलेंज फेस करते हुए फाइनल तक पहुंची है। इस बार हवा में गेंद है लेकिन फील्डर डीप में है,
जब तक पहुंच कर आएंगे तब तक क्या दो हो पाएंगे। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया है, पहुंच गए हैं सुरक्षित अपने क्रीज में। तिरसठ रनों का लक्ष्य और तिरसठ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय डॉक्टर इलेवन भी थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ रही है, लेकिन इनसाइड आउट स्ट्रोक है। बल्ले के बीचों बीच क्या प्रॉपर टाइमिंग देखने को मिली है, ये टाइमिंग कितनी सक्सेसफुल है ये देखना होगा। बाउंड्री के बाहर गेंद नहीं गई है, बहुत अच्छी फील्डिंग है। देखिए तालियां फील्डर के लिए बजनी चाहिए नो डाउट, लेकिन अगर आप इस शॉट को ध्यान से देखा आपने दोबारा देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पर देख लीजिए। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद आती है तो शॉट में से जो आवाज निकलती है ना बल्ले में, मजा आ जाता है वहीं पे। और क्या बेहतरीन स्ट्रोक, ऐसे क्रिकेटिंग शॉट पहले दिन से हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं एसपीएल का स्तर जो है वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है। दो ओवर के बाद 9 रन टोटल स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। एसपीएल हिट छे कारण बद्दा प्लेयर फिट छे, टोटल स्कोर है 9 रन 2 ओवर। एक बार फिर से धवल को लाया गया है, पहले ओवर में मात्र 2 रन धवल ने खर्च किया, 2 विकेट उसी ओवर में आए थे। क्या इस ओवर में कुछ रन रेट बढ़ेगा या कम होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत खूबसूरत गेंद लेफ्ट किया था बल्लेबाज ने इस गेंद को, वेल लेफ्ट आप कर सकते हैं 10 ओवर के मुकाबले में 20 ओवर के मुकाबले में, लेकिन यहां पर आप वेल लेफ्ट करने के समय भी एक बार सोच कर रखें कि उस गेंद पर कुछ ना कुछ रन तो आ ही सकते थे। कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर गेंद के पीछे पीछे, गेंद आगे आगे, और आखिरकार रोक लिया गया है गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर ही। इस बीच 2 रन दौड़े हैं, स्कोर को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 11 पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है, धवल अपने आप व्यक्तिगत दूसरा ओवर कर रहे हैं। बहुत ही कंजूसी भरी गेंदबाजी पहले ओवर में उन्होंने की थी, मात्र 2 रन खर्च किए थे 2 विकेट लिए थे। हार्दिक ऑन स्ट्राइक, ओ हार्दिक ने किया है, हार्दिक स्वागत 6 रन के साथ, राजवन सिक्सर। माय गॉड क्या लेवल हो चुका है अब ये टूर्नामेंट, जैसे जैसे थैंक यू डीजे, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है वैसे वैसे इसका लेवल स्टैंडर्ड और ऊपर होता जा रहा है। इस शॉट को मैं चाहता हूं आप यूट्यूब पर देखें, बहुत मजा आएगा। ये शॉट बार बार देखना पड़ेगा, ये शॉट बार बार दिल करेगा ये शॉट देखने का। घुटना टेक और तमाशा देख, क्या बात है। बल्ले के बीचों बीच हार्दिक ने इस बार कनेक्ट किया है और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या सिंगल के साथ बढ़कर पहुंच चुकी है 18-18 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी है, धवल की अच्छी खासी खबर इस ओवर में अब तक तो ले ली गई है। क्या धवल फिर से वापसी कर पाएंगे, कमबैक कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल स्ट्राइक पर है हर्षल, टीम के ओनर हैं। इस बार क्रॉस बैट शॉट खेला है ऑन साइड पर, डीप में नीरव आए हैं गेंद पर, नीरव के हाथ में गेंद है तो रन लेने का प्रयास करना भी मत। बहुत ही खूबसूरत वातावरण यहां, 70 ग्राम समाज के साथ साथ जनता भी लुफ्त उठा रही, आम जनता जो है इस मैच का, सभी का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू डीजे। धवल
अब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं, एक बार फिर से स्ट्राइक पर हार्दिक। हार्दिक हार्दिक इस बार कवर्स में खेला है, बहुत ही दर्शनीय शॉट, थोड़े से फंबल हुए लेकिन नहीं, एक रन से संतुष्ट होना ही पड़ेगा क्योंकि अभी आगे बहुत ओवर बाकी हैं, लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है, बस खड़े रहिए, ध्यान से खेलते रहिए, डॉक्टर इलेवन के लिए यही मंत्रणा है इस समय। टोटल स्कोर है 20 तीन ओवर की समाप्ति के बाद, 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। हौसले की जो उड़ान है वो बहुत ऊंची उड़ चुकी है अब एसपीएल की, अब ये रुकने वाली नहीं है, बहुत ऊपर जाएगी ये। 70 ग्राम समाज, पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है और मैं तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा, आप सभी जो इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए, लोगों का उत्साह बढ़ाया, कमेटी का उत्साह बढ़ाया और समाज में एक नई जान नई ऊर्जा भर दी आपने। हार्दिक के लिए अगली गेंद और एक बार फिर से क्रॉस बैट शॉट, वन बाउंस, नीरव के हाथों में गेंद है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर नीरव की, नीरव बहुत तेज है, तुरंत गेंद पर लपक कर पहुंच जाते हैं। नितिन नए गेंदबाज के रूप में आए हैं, फिर से हार्दिक के लिए स्कूप कर दिया है, फाइन लेग पे दिशा में फील्डर दौड़ कर आएंगे, जब तक कितने रन मिलेंगे वहां पर, एक ही रन मिला है, शॉट बहुत अच्छा था लेकिन बल्ले पे ठीक से आई नहीं, इसलिए अपने आप से निराश है। गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं इस बार। स्कोर कितना है? 23 टोटल स्कोर है, तीन ओवर तीन गेंदों में 23 टोटल स्कोर इस समय स्कोर बोर्ड पर, और अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं स्कोर पे। टारगेट से कुछ दूर है जरूर, क्रॉस बैट शॉट एक बार फिर से, लेकिन नीरव के हाथों से गेंद बचकर नहीं निकल सकती, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, इंतजार करके थ्रो किया इसलिए वो थ्रो काम नहीं आया, तुरंत थ्रो करने की कोशिश करनी चाहिए थी नीरव को, नीरव ने जो थोड़ा सा समय ले लिया बॉल पकड़ने के बाद, उसी में दोनों रन दो वो रन पूरे हो गए, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, आपने जब रुकने की कोशिश की तभी दौड़ पड़े थे नॉन स्ट्राइकर एंड से हार्दिक। काफी समय लिया जा रहा है, पैरों में कुछ तकलीफ है नितिन भाई के, ये जोश ये ताकत इसी मैच के लिए बचाकर रखी गई थी। एक बार फिर से नीरव के हाथ में, इस बार गलती नहीं, देखिए तुरंत इस बार थ्रो किया है, यही काम पिछली गेंद पर भी करना चाहिए था। बदलाव आप करते रहिए क्योंकि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, जितने बदलाव आप करने में सफल होंगे उतना कामयाबी के चांसेस भी आपको मिलेंगे। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच लगी है गेंद, चार रन के लिए निकलेगी निश्चित रूप से, बल्ले पे आने के बाद ही पता लग गया था कि ये गेंद बाउंड्री, तो कम से कम चार तो मिल ही जाएंगे, राजवंश चौका। Yeah.
थैंक यू डीजे. वेल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ग्रैंड फिनाले हम देख रहे हैं एसपीएल. चार ओवर के बाद 30 रन बना है टोटल स्कोर है चार ओवर में 30. और अब यहां से जीत के लिए 33 रनों की जरूरत है बाकी के चार ओवरों में. जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तब समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं. और यही रास्ते पर चलते हुए इस समय दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. उनको पता है कि फाइनल तक तो पहुंच गए लेकिन इसके आगे तभी पहुंचेंगे जब अपना विकेट बचेगा. अपन बचेंगे तो अपन आगे भी जा सकते हैं. क्या बोलता है भिड़ू. डॉट की गई गेंद, अच्छी गेंदबाजी. मौलिक आए गेंदबाजी अटैक पर. अपने टीम के सबसे भरोसेमंद और सबसे जबरदस्त खिलाड़ी, ऑलराउंडर, टीम के कप्तान एक तरफ है, एक तरफ सामने टीम के ओनर, दोनों ओनर भी हैं. ये बैटल बढ़िया होगा. इस बार स्क्वायर लेग की तरफ खेलने में कामयाबी जरूर हासिल की है. एक रन मिलेगा दूसरे के लिए, नहीं रोकना पड़ेगा अपने आप को. थर्टी वन टोटल स्कोर इस समय. पांचवें ओवर का खेल जारी है. दो गेंदें हो चुकी हैं. ये क्राउड जो है थोड़ा सा शांत बैठा है इस समय. अब इनको एक डोज देने की जरूरत है, एक एनर्जी गिफ्ट करने की जरूरत है जो हार्दिक के तरफ से देखने को मिल सकता है. आगे निकले बल्ले का किनारा लगकर गेंद गली की तरफ गई है. एक रन पूरा किया है, मात्र एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा हार्दिक को. स्कोर आगे बढ़ के पहुंचेगा 32. 32 रन, तीन गेंदें हुई है पांच ओवर की. इस ओवर की और तीन गेंदें आना बाकी. देखिए आज इतना जो क्राउड है, पहले दिन ऐसा लगा कि सिर्फ शुभकामनाएं आ रही थी. दूसरे दिन कुछ संदेश आए, तीसरे दिन ये खुद चलकर आ गए फाइनल मैच में. जो क्राउड है बिल्कुल जबरदस्त. अच्छा शॉट गैप में लेकिन नहीं, वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर. गेंद फील्ड की गई है स्ट्राइकर एंड पर. अगर थ्रो पहले ही चला जाता तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन फिलहाल दो रन के साथ एक बार फिर से मजबूत स्थिति में डॉक्टर 11. कहीं थोड़ी बहुत टक्कर जरूर दे रहे हैं रिद्धियान चैलेंजर्स, लेकिन डॉक्टर 11 ने जिस प्रकार का प्रदर्शन पहले मैच से किया है, पलड़ा उनका ही अभी भी भारी लग रहा है. बैकफुट पर इस बार गेंद को खेल दिया है. ऑफ साइड में डीप में फील्डर है, दौड़ पड़े हैं दूसरे रन के लिए हार्दिक. और स्ट्राइकर एंड पर. और नहीं, डायरेक्ट हिट अगर होता तो मौका बन सकता था, लेकिन एक बार फिर से सफलता पूर्वक दो रन पूरे कर लिए गए हैं डॉक्टर 11 के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा. स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है इन दो रनों के साथ अब 36. 36 रन दो विकेट के नुकसान पर. अब यहां से जीत के लिए 27 रन. ओहो बहुत ही बढ़िया, जड़ में डाली हुई गेंद थी, खोद कर निकाला इस गेंद को. जैसे तैसे गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया. इस बार खतरा बन सकता है. नहीं, ओवर थ्रो. ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है आगे. एक एक रन, एक एक डॉट गेंद कितना महत्व रखती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद पता है. और इस स्तर पर, इस सिचुएशन पर ऐसी गलती, ये जब मैच स्कोर लेवल हो चुका होगा, स्कोर टाई पर आके अटकेगा, तब आपको याद आएगा कि यही गलती नहीं करनी चाहिए थी.
चलो चलो चलो, थोड़ा जल्दी करेंगे। हमारे दोषी सुपर किंग्स के सभी फॉलोअर्स फैंस निराश हैं क्योंकि अब उनका गाना नहीं बज रहा है। पिछले दो दिन खूब जबरदस्त उनका गाना बजा है, लेकिन अब वो एलिमिनेटर के मैच के बाद से अभी तक हमने वो गाना सुना नहीं है। तो ग्रैंडविल के ओनर हमारे बीच पधारे हैं, हार्दिक स्वागत है एसपीएल की तरफ से आपका। ग्रैंडविल के ओनर, क्रॉस बैट शॉट, बल्ले पे लगी जरूर है, मिसफील्ड और गेंद चार रन, सीमा रेखा से बाहर, राजवंश चौका। क्या बात है, डॉक्टर 11 एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए। अगली गेंद लेकर तैयार है नितिन एक बार फिर से। ओहो, बल्ले के बीचों बीच तेजू, ओह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। ये दूसरी दफा है जब तेजू ने इस प्रकार का कैच लिया है। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, जो तेजू ने कैच लपका है। अब देखिए, ऐसे कैच इतने प्रेशर में कोई फील्डर पकड़ ले बहुत बड़ी बात है। तेजू ने वो करके दिखाया, वेल प्लेड। थैंक यू यो, थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे 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 डीजे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू डीजे। हेलो हेलो हेलो, बहुत ही लाजवाब कैच। तेजू ने अपने दाईं तरफ स्लाइड करते हुए डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा है, और ये कैच है या मैच है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने कैच पकड़कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया है। लेकिन मोक्ष और आए और चौका छक्का ना लाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चार रन आते ही मोक्ष ने जड़ दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डीजे। देखिए कितना इजी लगता है मोक्ष को वो सब, जो दूसरों के लिए बहुत हार्ड होता है। मोक्ष बड़े आराम से आते हैं, कुछ नहीं चलो मैं तो मार ही दूंगा, और आके मार भी देते हैं बड़े आराम से। कितना इजीली ये शॉट खेला चार रन के लिए, और स्कोर 47 टोटल स्कोर है इस समय। और अब यहाँ से जीत के लिए 15 गेंदे और 16 रन, कितना करीब पहुंच गया है मामला। देखिए नितिन लेने के लिए तैयार, अगली गेंद मोक्ष के लिए, स्ट्राइक पर है तैयार है मोक्ष। हाँ, बल्ले को जब लपेट कर खेलते हैं तो एक समय ऐसा लगता है कि बस ये लगा और गया बाहर, लेकिन नहीं, सिंगल ही मिलेगा इस बार सिर्फ। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा 48। अब 13 गेंदे और 15 रन दूर है जीत से। डॉक्टर 11 एक बार फिर से अपना लोहा मनवाने को तैयार है। हार्दिक
हार्दिक अभी भी जमे हुए हैं। नितिन का सामना करेंगे अगली गेंद का, हवा में थी जरूर गेंद, हकलाइयों के सहारे से गेंद को खेला है तेजू के हाथ में। तेजू भी एक बहुत ही ब्रिलियंट फील्डर है इस टूर्नामेंट में। ए भाई, बॉल निकल गया। अरे बारह गेंदों में 14 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। किसके सर सजेगा ताज इस टूर्नामेंट के जीत का, किसका ख्वाब सच होगा और साथ ही साथ किसको मिलेगी ये भारी भरकम इनामी राशि। 11,000 विनर को, 5100 रनर अप को, 2100 ईच बेस्ट बैट्समैन बॉलर और फील्डर को, कैच पकड़ने वाले, ग्रैंडविल का वाउचर, ये सब शारदाबेन प्रवीण चंद्र मनियार जी की तरफ से इन खिलाड़ियों को भेंट स्वरूप, गिफ्ट स्वरूप मिलने वाला है। कौन होगा वो विनर, देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक बार फिर से मौलिक के ऊपर जिम्मेदारी है, कप्तान लीडिंग इन फ्रंट। स्ट्राइक पर मोक्ष, ओहो, इस बार स्कूप करने की कोशिश की थी मोक्ष ने। हार्दिक है, माफ कीजिए, मोक्ष नौ स्ट्राइकर एंड पर है, 10 नंबर की जर्सी मोक्ष पहने हुए, बिल्कुल मोक्ष नौ स्ट्राइक पर थे, अब स्ट्राइक पर लौटे हैं। हार्दिक ने सिंगल लिया, 50 रन पूरे हो चुके हैं डॉक्टर 11 के, अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ओहो, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया है बल्ले का, अगर किनारा लगा है तो जोरदार अपील तो हुई है, लेकिन अंपायर तस्मस नहीं हुए इस अपील से। मौलिक थोड़े से निराश हैं। तो SPL 2022 के मेन स्पॉन्सर राजवंश ज्वेलर्स के ओनर हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजवंश ज्वेलर्स के ओपनर, हमारे मेन स्पॉन्सर, और उनके आते ही स्वागत किया है मोक्ष ने छक्के के साथ। ये देखिए, राजवंश ज्वेलर्स के ओनर का स्वागत इस प्रकार से होना चाहिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू। इंतजार है, अभी भी करना पड़ेगा इंतजार। हवा में गेंद, क्या बदला मिलेगा या फिर गेंद छूटेगी, छूट गई है, एक रन और दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं, दो रन पूरे कर लिए हैं मोक्ष। मोक्ष लग रहा है मोक्ष की प्राप्ति करा कर ही दम लेंगे, मात्र 4 रन दूर है जीत से, 5 4 बनाएंगे तो टाई हो जाएगा, सुपर ओवर खेलना पड़ेगा, वो हम नहीं चाहते, हम चाहते कि फैसला हो, नहीं देखना है। और यहाँ ये भी अपना इतिहास है, लास्ट पिछले 2 साल से सुपर ओवर का ही फाइनल हो रहा है, फाइनल में सुपर ओवर हो ही रहा है, क्या इस बार भी, वैसे अब तो नहीं लग रहा है। शॉर्ट आर्म पुल, हवा में गेंद है, क्या सक्सेसफुल होगा कैच, यस, एट बॉल्स फाइव रन टू विन, अब सेवन बॉल
सात बॉल पांच रन, सात गेंदे पांच रन, मोक्ष का विकेट ले लिया है। पिछले दो सीजन, पिछले दो सीजन मैच सुपर ओवर में गया है ग्रैंड फिनाले, क्या तीसरा सीजन भी होगा? लेकिन नहीं, हार्दिक एक और खड़े हैं वहां पर, हार्दिक कह रहे नहीं, ये जीत की हार्दिक बधाई तो मैं ही लूंगा। 58 टोटल स्कोर है, सात गेंदे और सात गेंदों में पांच रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। डॉक्टर 11, एक रन के लिए खेल दिया इस गेंद को, नए बल्लेबाज यश, अरे सॉरी चिंतन, चिंतन यहां पे, मैं यहां पे देख, नए बल्लेबाज चिंतन जिन्होंने सिंगल लिया है और अब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आखिरी आखिरी ओवर और जीत के लिए। चार रन की जरूरत है, छह गेंदे चार रन, हमारे SPL के मेन स्पॉन्सर राजवंश ज्वेलर्स के ओनर राकेश भाई और विनोद भाई हमारे बीच उपस्थित है। आपके सपोर्ट के बिना ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं हो पाता और मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर जिनकी वजह से हमने सुबह सुबह का नाश्ता किया है, जिनके नाश्ते से सभी खिलाड़ियों को एनर्जी प्राप्त हुई है, विटामिन प्राप्त हुआ है, ऐसा हेल्दी नाश्ता जिनके तरफ से आयोजित किया गया, भाविशा जेम्स, भाविशा एक्सपोर्ट्स की तरफ से, और जो पानी हम दिन भर पी के अपनी प्यास बुझा रहे हैं, गला सूख रहा है तो यही पानी काम आ रहा है, तीन दिन से इस पानी का हम लुफ्त उठा रहे हैं, रुचिरा ज्वेलर्स के माध्यम से ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमें प्राप्त हुआ है। ओके ओके, तो जितनी ज्वेलरी है, जितनी ज्वेलरी है सबके गले में, राजवंश की चैन हमारे नाश्ते के स्पॉन्सर्स भाविशा जेम्स, केवीर केयूर भाई कोटारी हमारे बीच आ चुके हैं, हार्दिक स्वागत है, आने वाले मंच पर आइए प्लीज, केयूर भाई कोटारी मंच पर आइए, आपका नाश्ता सबके रगों में खून बनकर दौड़ रहा है, एसपीएल के सभी खिलाड़ियों के रगों में। छह गेंदे चार रनों की आवश्यकता है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज चिंतन, छह गेंदे चार रन, क्या एक हिट लगेगा और मैच खत्म होगा या फिर और इंतजार? रिद्धियां चैलेंजर्स मैच में वापसी कर सकते हैं या नहीं देखना होगा। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हार्दिक स्ट्राइक पर, केयूरभाई कोठारी हमारे बीच आ चुके हैं, केयूरभाई हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम आपका एसपीएल परिवार की तरफ से, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हमारे नाश्ते के स्पॉन्सर तीन दिनों से जिनका नाश्ता हमने चखा है, और इस फाइनल तक का सफर तय किया है हमारे केयूर भाई कोठारी जी, वेलकम एंड मो हार्दिक स्वागत आपका। कदमों का इस्तेमाल, बल्ले के बीचों बीच गेंद आई है, फील्डर तेजू, और एक बार फिर से ये कैच अगर पकड़ लेते तेजू तो तेजू आप इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक खिलाड़ी हो जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है, फील्डिंग के लिहाज से तो आप हैं ही, और इस प्रयास के लिए आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, बस वो विकेट नहीं मिलेगी जो चाहिए थी आपको, सिर्फ नंबर लेकर आप काम चलाना पड़ेगा आपको। स्कोर लेवल हो चुका है, डॉक्टर 11 या फिर रिद्धियां चैलेंजर्स, चार गेंदे चार गेंदों में एकमात्र रन बनाना है, आखिरी रन,
अब इनके डगआउट में देखिए डॉक्टर इलेवन को पहले से ही हलचल मच रही होगी कि बस सब ट्रॉफी उठाने का इंतजार है, जीत तो हम गए ही हैं पहले से ही। फिराक में है वो, जाकर तीन चार स्टंप जो है वो उठाकर लेकर आए कैसे भी करके जाके। स्ट्राइक पर हार्दिक, हार्दिक 25 रन बनाकर विकेट पर खड़े हुए हैं अपने टीम के तारनहार संकट मोचक बनकर। क्या इस गेंद पर ये लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। एक रन मिल गया है और चैंपियन बन गए हैं डॉक्टर इलेवन। उन्हें था गुमान कि अपनी उड़ान में कहां दम है, उन्हें था गुमान कि आपकी उड़ान में कहां दम है, लेकिन हमें भी था विश्वास कि आगे आसमान थोड़ा कम है। और इसी के साथ चैंपियन बने हैं डॉक्टर इलेवन इस टूर्नामेंट को, एसपीएल को, एसपीएल 2020 का खिताब अपने नाम करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, बहुत 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 बधाई।